अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप सब? यार मसला ये है कि यूट्यूब वीडियो बनाना इतना कोई मुश्किल होता है ना, इसलिए रोज़ाना नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आते हैं कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही, यूट्यूब पे नहीं आ रही। लेकिन फाइनली मैं आ गई हूँ। बड़ा मुश्किल काम होता है, तो मैं सोचा चलो आज मैं करती हूँ अपनी ड्रॉ सेट। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये मेरे ड्रॉस का हाल है अभी, ठीक है? ये मेरी ड्रॉस का हाल है जिसमें मेरे हिजाब्स ऐसे पड़े हुए हैं। आज हम इन्हें हिजाब्स को सेट करेंगे, ठीक है? ये देखें कितने सारे हिजाब है। ऊपर वाले ड्रॉ में भी बहुत सारे हिजाब है, जो कि हालत बुरी हुई हुई है इन हिजाब्स की, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इनको सेट करेंगे। तो करेंगे मेरे साथ मिलके, हम सब मिलके हिजाब सेट करेंगे अपना, ठीक है? और बातचीत भी करेंगे, करेंगे ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे बातचीत करेंगे, अपने हिजाब्स को निकालेंगे। ये इसलिए मेरा हिजाब की जो है ड्रॉज गंदी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं हिजाब पहनती हूँ और ऐसे ही डाल देती हूँ, बस टाइम नहीं होता कि मैं भाई फोल्ड करूँ आराम से। जैसे कि आप लोगों की वार्डरोब गंदी होती है ना, वैसे मेरी ये चीज़ गंदी होती है। तो ये कैप्स हैं, ये कैप मैं खुद से ढूंढ रही थी जो कि यहाँ चुप के बैठी हुई। सो ये ऐसी है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे ड्रॉर्स में टिश्यू रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी ड्रॉर्स के अंदर पहले क्या था, मेकअप। इन ड्रॉर्स के अंदर मेकअप था मेरे, ठीक है? लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको साफ करके अपना हिजाब का मैंने सेक्शन बना दिया। ये मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ, लाइक बदलती रहती हूँ चीज़ें। तो इसके अंदर टिश्यूज़ हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। टिश्यू रखे हुए इस तरह से, ताकि मेरी ड्रॉ गंदी भी ना हो और ना ही मेरा हिजाब गंदे हो। तो इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है, विच इज़ वेरी डम, लेकिन जो ही मुझे ओबियसली सस्ते में पड़ता है, मैं वही काम करती हूँ और अपने फैंस को भी वही दिखाती हूँ, राइट? तो कैमरा सेट कर लें उसके बाद। एनीवेज, अब हम इसको, मैं इसको तेज कैसे करती हूँ, दिखाती हूँ अपने हिजाब को। वैसे तो मिलते हैं, हैंगर्स भी मिलते हैं, और लेकिन वो अमीरों के पास होते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा फोल्ड करो, निकालो, तो इस तरीके करके आयरन करके आप पहन सकते हो, ठीक है? इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह मैं करती हूँ फोल्ड। पहले यूं किया, दो हिस्सा लिया, इसको यूं करेंगे फोल्ड, और फिर क्या करेंगे, डबल वन, थोड़ा दूर कर दें ताकि मेरे फैंस अच्छे से देख सकें। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो फिर वेट करें। अब आ रहा है नजर, हिजाब अभी भी नहीं आ रहा, तो वेट करें। लेट्स स्टार्ट इट। तो इस तरह से हिजाब फोल्ड करेंगे, और हर मेरा हर हिजाब के साइजेस अलग अलग हैं, ये मैं कैसे देख कर रही हूँ। एनीवेज, तो इस तरह से मैंने छोटी बोरी बना ली, और मेरे हर हिजाब जो है ना शिफॉन के हैं, तो मैं यहाँ रखूँगी। देखें, ये मैंने इसको लिटा दिया, यहाँ पे दिखाती हूँ। मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे खुद इस तरह से मैं एक के बाद रखती जाऊंगी। सही है। कलर्स पहले रखेंगे, मर्जी है आपकी, किसी को दिखाना थोड़ी है, घर में ही करना है, राइट? तो इस तरह से मैं अपने हिजाब फोल्ड करके और ड्रॉर्स में रखती हूँ। इजिली आप फाइंड भी कर सकते हो अपने हिजाब कहाँ है और कहाँ नहीं है। आई नो ये थोड़ा आयरन ही हुआ, लेकिन जब भी मैं निकालती हूँ, आयरन करती हूँ और फिर मैं पहनती हूँ। कभी कभी तो ऐसे भी पहन लेती हूँ, जल्दी में होती हूँ। तो ये बन गई छोटी, इस तरह से छोटा सा। उसके बाद पिंक है, वो भी शेफून का है, जिसकी हालत बुरी हो गई पहले लगा लगा के। तो इस तरह से पूरा हम फोल्ड करेंगे जल्दी जल्दी।
मैंने इस तरह रखे हैं, कुछ हिजाब बड़े हैं तो कुछ हिजाब छोटे हैं, तो इसलिए इस तरह से आए हैं। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस और भी हम इसमें हिजाब डालेंगे इधर। सो या डाल दिया। बोर हो रहे हैं तो इसलिए मुझे वॉच करें, लेकिन आप अपने आप को तो देखें यार, बाल सेट कर लिया करें, कभी बालों को कंघा भी कर लिया करें। अब आप लोग हंस रहे होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके बालों में कंघा कब से नहीं हुआ, ब्रश कंघा। ओ माय गॉड, आई एम सो उर्दू स्पीकर। ब्रश कर लिया करें बालों में भाई, कंघा उर्दू में कहते हैं, सही टकर कटर उर्दू में कहते हैं कंघा। लेकिन बालों में ब्रश कर लिया करें प्लीज, वरना जुए पड़ जाएंगे। वैसे मैं भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बाल तो नजर ही नहीं आते। हंस रहे हैं, अभी भी हंस रहे हैं यार, हंसते हुए कितने क्यूट लगते हैं आप लोग। और वैसे एक बात बताऊँ आप सबको मैम, अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे राइट, तो आप अपने आप से बातें करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ अपने आप से बातें। दूसरा बंदा देख के हंस रहा होगा मुझे। वाइट एक और हिजाब है जिसका रंग चढ़ गया गलती से, तो ये तो अब फालतू हो गया, लेकिन फिर भी मैंने रखा हुआ है ना, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो है ये उतरेगा नहीं रंग। आई थिंक इसको क्लोरेक्स में डालूंगी ना मैं, तो ये उतर जाएगा। तो क्लोरेक्स में डालेंगे, क्लोरेक्स में तो फिर इसको उतारेंगे, लेकिन जब पहनना होगा। अभी एमी रख देते हैं ठीक है। तो एक और हिजाब, तीन, इतने खूबसूरत लगने का कोई हक नहीं है तुम्हें। कितनी नौटंकी हूं मैं। ये हिजाब बहुत अच्छा है, टाणा, ये मैं पार्टी से पहनती हूँ, ऐसे चमकीले हिजाब, चवलों चवलों की तरह पहन के जाती हूँ। दिस लुक्स सो अमेजिंग गाइस, मेरे बहुत ज्यादा पर्सनालिटी है। अच्छा जी, हिजाब है सर पे डालना है, तो महंगा लेके क्या करेंगे आप, अचार डालेंगे। अच्छा जी, ये कैप है जो कि मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, ये भी कैप है जो कि मैं बिल्कुल नहीं पहनती, ये भी कैप है जो कि मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। अंदर है जी। वाओ, इस कैप को अंदर रखूंगी। और ये देखिए, ये ऐसे में ना हिजाब बहुत कम पहनती हूँ, शेफोन के, जैसे कि आपको पता है मैं शेफोन के हिजाब ज्यादा पहनती हूँ, लेकिन ऐसे हिजाब ना ना ना, स्ट्रिक्ट। अच्छा, ये हिजाब है जिसमें आपको पिन भी लगाना नहीं पड़ती है, पिन लगाना नहीं पड़ती इसमें, तो ऐसे ही करके टेक करेंगे, टैग भी नहीं उतारा। बाय द वे गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जल्दी से इंस्टाग्राम बनाए, क्वीन दारू। तो ये पर्पल हिजाब भी है, इसमें पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब पहनते तो बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट, ये इसकी आवाज़ ना बंद नहीं हो रही, अब बोर नहीं करूँगी भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। और फिर एक बात बताती हूँ, फिर ज़बरदस्त बात बताती हूँ, कहीं जाइएगा मत, बंद तो नहीं हुआ है, तो मेमोरी भी फुल हो जाती है मोबाइल की, डिलीट करनी पड़ती है चीज़ें, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि प्रोफेशनल कैमरा तो है नहीं, तो इसी तरह जो है बनानी पड़ती है मोबाइल से, मेमोरी फुल हो जाती है, तो इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर फालतू में डिलीट करनी पड़ती है। ये वाला हिजाब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है मेमोरी फुल कोई नहीं हुई, आई होप कि बन रही, इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे हिजाब करेंगे, प्यार से लिपेटेंगे, आयरन भी रख देंगे। ये कैप है, दैट्स इट। सो अब फाइनल रिजल्ट देखना है, चलिए दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट, यू नो दैट राइट। तो एक मिनट रुक जाए, हिजाब है। और कितने हिजाब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हिजाब एक ही में मैंने कर लिया। अगर आपके पास जगह नहीं है, और यहाँ पे जो है हिजाब वो एक्स्ट्रा हिजाब है, जो कि सॉरी पजामा पहना नीचे सोने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ड्रॉ सेट कर लूँ अपनी, तो फिर मैंने अपनी ड्रॉ सेट कर ली। लेकिन आई होप गाइस आपने मेरी ड्रॉ देख ली होंगी कि मैं कैसे हिजाब अपना रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देखना चाह रहे थे कि अपना हिजाब मैं कैसे रखती हूँ,
तो मैं इस तरह से रखती हूँ और भी हिजाब से जो कि दूसरी ड्रॉज में, वो इंशाल्लाह क्योंकि इसलिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लाइक करो, शेयर करो और फिर चले जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान में मेरी वीडियोस देखना मत भूलिए, क्योंकि मज़ेदार पकौड़े और समोसे बनाऊंगी अपने हाथों से और खिलाऊंगी अपने आप को। सो प्लीज जरूर देखिएगा, एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू। इस मोबाइल से बनाती हूँ मैं यूट्यूब वीडियो, इसमें पाँव इग्नोर करें, बहुत लंबे पाँव हैं, वीडियो इस मोबाइल से बनाती हूँ, वो री लाइट, और इस तरह से मेरी वीडियो बन जाती है। सो गाइस, लव यू सो मच। और हाँ, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना प्रोफेशनल सीट है, ना लाइट है, और ना ही कैमरा है। सो यू कैन डू इट व्हाट यू वांट। ओके, सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब बहुत हो गई बातें, हाँ, हाथ थक गया, अल्लाह हाफिज़।